आज मैं आप लोग के साथ रेस्टोरेंट में मिलने वाला सबसे फेमस स्टार्टर जो होता है बेबी कॉर्न चिली, उसकी रेसिपी आज आप मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बताती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज बहुत ही आसान तरीकों से, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको करना होगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिया के पकवान को। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं बेबी कॉर्न चिली घर पर कैसे बनता है रेस्टोरेंट स्टाइल में। लेट्स कुक। तो बेबी कॉर्न चिली बनाने के लिए मैंने लिया है बेबी कॉर्न। देखिए, आपको ये बेबी कॉर्न कोई भी ग्रोसरी शॉप में या सब्जी की मंडी में आजकल ये बहुत ज़्यादा मिलता है, पैकेट करके ये मिलने लगे हैं। तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आजकल मार्केट में। तो इसे हम सबसे पहले स्प्लिट कर लेंगे दो भागों में, देखिए इस तरह से। और इसे मैं कट करी हूँ तीन भागों में। आप चाहे तो यहाँ से दो भागों में कट कर सकते हैं, लेकिन बेबी कॉर्न चिली छोटे छोटे पीसेस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बेबी कॉर्न चिली को बीच से स्प्लिट करके इसे तीन भागों में कट कर लेंगे। ये बेबी कॉर्न चिली बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, आप इसे शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और ये बहुत ही फेमस स्टार्टर है। तो एक बार घर पे इस तरह से बेबी कॉर्न चिली बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने सारे बेबी कॉर्न को काट लिया है। चलिए हम इसे बॉयल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया एक बर्तन, बर्तन में मैंने पानी को पहले से ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब इसमें एक अच्छा बॉयल आपको आते हुए नज़र आए तो आप इसमें डाल दीजिए सारे बेबी कॉर्न को, और इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच नमक ताकि इसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। अच्छी तरह से इसमें उबाल आना चाहिए। जब तक ये बॉयल होता है हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं डालूँ 1/3 कप से थोड़ा सा कम मैदा, जिसे हम ऑल पर्पज फ्लोर भी कहते हैं। और जितना मैदा डालेंगे उतना ही हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जिसे, और ये भी 1/3 से थोड़ा सा कम है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और पानी डालकर इसका हम बहुत ही गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। हमें इसका गाढ़ा बैटर तैयार करना है क्योंकि इस बैटर को हम कोट करेंगे बेबी कॉर्न में। तो पानी का ध्यान से यूज़ करते हुए हम इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए किस तरह से मेरा बैटर की कंसिस्टेंसी है, आप भी अपने बैटर की कंसिस्टेंसी इसी हिसाब से रखें। तो ये तैयार है, चलते हैं बेबी कॉर्न की तरफ। तो देखिए हमारा बेबी कॉर्न भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं, मैं इसे एक स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ, और इसे लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद हमारा बेबी कॉर्न थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो इसे मैं एक एक करके अपने बैटर में कोट करूँगी। इस तरह से एक एक करके ही डालें, वरना जब आप एक साथ इसे डाल देंगे तो सारे बेबी कॉर्न आपस में चिपक जाएंगे जब हम उसे फ्राई करेंगे। ये आपको थोड़ी सी जल्दी है इसे बनाने के लिए, तो थोड़े से बेबी कॉर्न डाल दें और एक एक करके इस तरह से इसे निकालें, और इस बेबी कॉर्न को डाल दें गरम गरम तेल में। तो इसे मैं फ्राई कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल में, आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों तेल का यूज़ बिल्कुल ना करें। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो मीडियम रखेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि ये क्रिस्पी नहीं होता है, तो आप इसे लो मीडियम पे फ्राई कीजिए, आपके बेबी कॉर्न परफेक्ट क्रिस्पी होंगे। और नहीं तो आप इसे एक बार निकाल लीजिए इस तरह से फ्राई करके, और वापस से दोबारा आप इसे फ्राई कीजिए। ऐसा करने से आपके बेबी कॉर्न बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन हम इसे घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्दी रखते हैं, मैं इसे डबल फ्राई नहीं करूँगी। तो देखिए कितने सुंदर हमारे बेबी कॉर्न लग रहे हैं। क्रिस्पी बनाने का बस यही तरीका है कि आप इसे लो मीडियम में एक फ्राई कीजिए, और दूसरा आप इसे डबल फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे गोल्डन गोल्डन सुंदर सुंदर बेबी कॉर्न अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, मैं इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ मैंने लिया है पैन, पैन में मैंने डाला है 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और यहाँ मेरे पास कुछ चीज़ें देख लेते क्या क्या है। लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, और स्प्रिंग ऑनियन है, जिसे हम देसी भाषा में प्याज के पत्ते कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन यहाँ मैंने 5 से 6 पीसेस यूज़ किए हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ मैंने 3 यूज़ किया है, जिसे मैंने स्प्लिट कर दिया है। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अब डाल रही हूँ अदरक और स्प्रिंग ऑनियन। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर डालेंगे हम इसमें प्याज। प्याज को भी मैंने बारीक काटा है, और यहाँ मैंने 1 प्याज का यूज़ किया है। तो इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि लहसुन थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं, तो सबसे पहले इसलिए मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में काटा है। ये स्क्वायर शेप के शिमला मिर्च कोई भी चाइनीज़ डिश में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सेम साइज़ में मैंने काटा है प्याज, और प्याज को भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे डालकर हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। डालेंगे नमक स्वाद अनुसार,
काली मिर्च का पाउडर आधा चौथाई चम्मच और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सोया सॉस और वही चम्मच से मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। किसी भी तरह का चिली डिश बनाने के लिए या कोई भी चाइनीज भी तरह का चाइनीज डिश में यही आप प्रपोर्शन रखिएगा कि आपको 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 2 चम्मच टमाटो सॉस डालना है। ये प्रपोर्शन बेस्ट रहते हैं किसी भी चाइनीज डिश के लिए। तो इन चीज़ों को डालकर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसे हम एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम डाल देंगे अपने कढ़ाई में। इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि हमारी सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है और आपको टेक्सचर बहुत अच्छा मिलता है। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई बेबी कॉर्न। तो हम अब एकदम लास्ट प्रोसेस में पहुँच चुके हैं अपने डिश के, तो जल्दी जल्दी मैं इसे प्रोसेस कर रही हूँ और इसे डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे बेबी कॉर्न में सारी चीज़ें अच्छी तरह से कोट हो जानी चाहिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आपके मुंह में भी आ रहा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख के जाइए अपनी किचन में, बनाइए बेबी कॉर्न चिली और मज़ा लीजिए अपनी शाम का। और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से धनिया पत्ती से। तो हमारा बेबी कॉर्न चिली बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट पे। घर में कोई मेहमान आए तो ये डिश बना के आप उसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। अब वो तो ज़रूर पूछेंगे कि ये कहाँ से, कौन से रेस्टोरेंट से बनाया है। तो आप कीजिएगा कि मैंने इसे घर पे बनाया है। बहुत ही यम्मी डिश है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन। तो इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी के साथ, नई चीज़ों के साथ। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सी न्यू डिश देखना चाहते हैं मेरे से। तो चलिए हम मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए प्रिया के पकवान की तरफ से आप सभी को बाय बाय।